गाने में भी इतना अच्छा किया, मुझे लगा था कि आप मतलब रियल लाइफ में एकदम बिंदास, एकदम जो आपका जो स्टाइल था उसमें वो बहुत ही प्यारा था, और मुझे ऐसा लगा था कि एक्ट करने में पता नहीं भाई उतना कर पाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने धमाल मचा दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं प्लीज इनके लिए। एक बार बताइए, मैं और बाकी चीजें पूछने के पहले एक बार ये पूछना चाहूंगा, रियल लाइफ में कभी मिर्ची खाई है आपने किसी लड़की के लिए? लड़की के लिए नहीं खाई है ऐसे भी एक्चुअली, इतना सारा मिर्च जो था ना वो बस एक बिग बॉस के टास्क में खाए थे हम, वो कैप्टेंसी का टास्क था उसमें खाना था उसके बाद। और ये जो सीन जिस समय शूट हो रहा था उस समय सुनील सर हमारे, वो गलत फहमी के चक्कर में हम 4-5 मिर्ची ज़्यादा खा लिए थे वो बोल रहे थे कि हो जाएगा इतने में, फिर वो कह रहे थे कि बस ऐसे ही दिखाना खाना मत, और वो थोड़ा सा होता है ना अंदर से वो रियलिटी के चक्कर में आवाज़ भी नहीं सुनाई दिया उस समय, और आप खो गए मतलब। हाँ, डूब गए थे। क्या बात है। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं दीपक भाई बहुत अच्छा गाते भी हैं, आप लोग जानते हैं ना? Yes. तो मैं चाहूंगा आप लोग भी चाहते होंगे शायद कि यही गाना आखिर मतलब बेहद ही खूबसूरत सी आवाज में गाया है, जो कि आज भी लगा नहीं कि अनूप जलोटा जी जिन्हें हम हमेशा से सुनते आए हैं भजन गाते हुए, गजल गाते हुए, और आज एक रोमांटिक नंबर गा रहे हैं और दीपक भाई ने उसमें चार चांद लगा दी। ये वाला गाना आई नो दैट उनके सामने गाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम सब सुनना चाहेंगे, आप लोग भी सुनना चाहेंगे? एक बार जोर से बोले यार। दीपक भाई, इसका लिरिक्स वगैरह का तो याद नहीं है, लेकिन एक्चुअली सर का क्या है ना, सर तो मतलब उनका तो अलग लेवल है, तो हम लोग जब बिग बॉस में भी वो बताते रहते थे, गुड़ कुछ सिखाते रहते थे, तो सर का मतलब सर का लो स्केल हाई स्केल सब अपना है, लेकिन हमारा थोड़ा सा ये है कि ऊंचे स्केलों पे पकड़, सर जैसे सर ने बताया था कि आपका थोड़ा हाई रेंज वाला वो वाला है, तो अगर इसको अगर हम लोग ऊपर से करते हैं तो केसरिया पालम न जाने जाने कैसी जादूगरी, केसरिया पालम न जाने जाने कैसी जादूगरी, सब रंग लगे मुहे फीका जब रंग चढ़ा जो पीका। जोरदार ताली, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाते हैं आप, बहुत ही अच्छे से एक्ट करते हैं, और एंटरटेनमेंट तो ये तो उसके तो बादशाह हैं। नहीं, ये सब पब्लिक का प्यार है, जनता का प्यार है कि हम यहाँ भी खड़े हैं, और हम जेन्युइनली ये चीज दिल से फील करके बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने में खड़ा होने का अपना औकात नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ किया कि हम बिग बॉस में पहुंचे, और उसके बाद ये पूरा कैमरा ताम झाम लाइट फाइट बत्ती, अभी शाम में डिनर भी होगा, पत्नी आपको इनविटेशन है लेकिन एड्रेस भी तो लीक नहीं है तो जब मैडम रीना मैडम ने रीना मैडम ने जब फोन किया और जब इस एल्बम के लिए मतलब वो हुआ, तो अंदर से बड़ा खुशी हुआ कि इंडिया तो छोड़ो बाहर से भी लोग फोन कर रहे हैं, और फिर एल्बम के लिए जब हम लोग गए तो जेन्युइनली एक बात बताते हैं, हमारा तो चलो दिख रहे हैं हम लोग पर्दे पे तो ये हो गया किसने एक्ट किया, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं, करवाते हैं हमसे, और जो करवाते हैं सारे कर्ता धर्ता वो होते हैं आदरणीय हमारे सुनील सर, जिन्होंने कैमरे के पीछे से जो मेहनत किया वो हम जानते हैं, क्योंकि हमें तो चलो भाई तुम आपने बहुत अच्छा किया, पहली बार आप कर रहे थे आपको कैसा महसूस, तो अपना हम लोग डीलिंग दे दिए कि अरे हो गया था, लेकिन जो सर जितना जितने शिद्दत से और जितने प्यार से सर ने हमको सिखाया, एहसास ही नहीं होने दिया, सर गलत भी करते थे ना, हम गलती भी करते थे, तो सर बोलते थे कि अरे नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो दीपक, लग ही नहीं रहा कि पहली बार कर रहे हो, तो अंदर से मतलब अंदर से फील होता था कि यार एक्टर बन गया यार। फिर हमारे वो कोरियोग्राफर साहब मुस्कुरा रहे वहाँ से, सौरभ भैया, तो उन्होंने इतना मतलब डांसिंग वांसिंग का अपना, तो उन्होंने हम एक्चुअली वही हमको बताया कि तुम डांस कर सकते हो, और बड़ा अच्छा लगा। फिर जो भी कैमरे के पीछे थे उन्होंने इतना, जो हमारी पूरी टीम थी जो हमारे लिए दिन रात लगे रहे, जो जिन्होंने थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं होने दिया कि हम लोग
नए कलाकार हैं, हम लोग पहली बार शूटिंग कर रहे हैं, पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को अपना बना के चल रही थी, और गाना सुन के तो मतलब मिजाज जो है ना वो सड़क गया। क्या गजब लाजवाब गाना था, उसके लिरिक्स, उसके उसके बोल, और हम कलाकार हैं तो उस गाने को हम, वो गाना हमारे आत्मा में उतर गया, तो करने में हमको बहुत 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 ज़्यादा मतलब खुशी हुई। और को स्टार भी बहुत अच्छी थी सोमी खान, तो उन और उनके लिए भी वो पहला प्रोजेक्ट था, हमारे लिए भी बहुत पहला प्रोजेक्ट था, और हम लोगों को इतना बड़ा मौका देना, तो हम लोग मना नहीं कर पाए। और शायद मैं भी नहीं, जेन्युइनली अगर कोई और कलाकार जो हमारे साथ होता और अगर उनके साथ अगर हमको करना होता तो हमको थोड़ा वो फील होता और अंदर से निकलने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन लेकिन सोमी थी साथ में तो हमें मतलब कि जो भी एक्ट है करने में, और अगर कहीं हमको प्रॉब्लम होता था तो वो बहुत मतलब ये करती थी, और उनको होता था तो हम करते थे, तो बात बाकी क्या मतलब हंस क्या रहे, कौन हंस रहे, उनका उनका चेहरा ही हंसमुख है जी। बस खत्म हो गया, उसको ऐसे समझ रहे थे। इनकी सबसे प्यारी बात क्या है, दीपक भाई जो भी काम करते हैं ना उसमें खो जाते हैं, जब ये गाना गाया इन्होंने एकदम खोकर गाया, गाने में डूब जाते हैं, जो एक्ट किया इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एक्ट किया है, और जब बात भी करते हैं तब भी बातों में खो जाते हैं। वेल, तो मैं चाहूंगा कि जो आपकी को एक्ट्रेस है उनको ना मैं इन्वाइट नहीं करता हूँ, आप इन्वाइट करें, लेकिन 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 जरा प्यार से इन्वाइट करें जी उन्हें देख कर। हाँ तो डाउन करके, अरे इनवाइट करना और कुछ नहीं करवा रहा तो नी डाउन करके कौन इनवाइट करता है। हाँ गाकर इनवाइट कीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा जी। हाँ वो हमने गाना बनाया था इनके ऊपर बिग बॉस में, वही सुनना चाहेंगे हम सब। हालांकि देखिए अभी हम लोग ये वो बड़े बड़े कलाकार लेट से आते हैं ना, तो एंट्री भी देखे एकदम पूरा, और सजने संवरने में टाइम लग जाता है थोड़ा, लेकिन जनरली बहुत स्वीट है, और ऐसा आप बोलना चाह रहे होंगे, आप भी बोलना चाह रहे होंगे। नहीं हम नहीं होते अभी तो ये भी नहीं होती ना। क्योंकि एल्बम ही हमारा था तो ये कौन था। नहीं दिल से थैंक यू इनको, और इन्होंने बहुत मतलब एक्चुअली हम एक चीज बता, कुछ कुछ सीन पे तो हम हैंग हो जाते थे, और हम डायरेक्टर साहब बोलते सर ये दोबारा कीजिए, ये इसमें और अच्छा से होगा। और बहुत मतलब कि जनरली बहुत मजा आता था, और खास करके उन कामों के लिए आपको पैसे मिले जो आप सोचते हैं तो और अच्छा लगता है।